आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज और कार्बन यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि हमने बहुत सारी पुस्तकों को उनके विषय के अनुसार अलग अलग बांट लिया, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि की सभी पुस्तकों को अलग अलग रख दिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, समजातीय अर्थात समान जाति वाले, कार्बन यौगिक, इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। समान जाति वाले कार्बन यौगिकों का वो समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं प्रकार्यात्मक समूह समान हो। एल्केन समजातीय श्रेणी इस प्रकार है: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि। एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर है। जैसे मीथेन से इथेन में CH2 यूनिट का फर्क है, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन में भी CH2 का अंतर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम CnH2n plus 2 इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि श्रेणी के सबसे पहले यौगिक मीथेन में n की संख्या 1 होगी। अब यदि हम इस सूत्र में n की जगह 1 लिखें, तो मीथेन के आणविक सूत्र CH4 पाएंगे। इस श्रेणी में सभी कार्बन यौगिक एकल आबंध सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तथा इसलिए इनके नाम के आगे एन जुड़ता है, जैसे मीथेन, इथेन इत्यादि। इसका मतलब ये भी है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच 14 द्रव्यमान का अंतर है, क्योंकि CH2 का द्रव्यमान है 14। जैसे जैसे समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, अणु का द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन द्विआबंध डबल बॉन्ड हुए, तो उस श्रेणी को एल्कीन कहेंगे, अर्थात नाम के अंत में ईन जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इत्यादि। इस श्रेणी में भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम CnH2n इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि श्रेणी के दूसरे यौगिक इथीन में n की संख्या 2 होगी। अब यदि हम इस सूत्र में n की जगह 2 लिखें, तो इथीन के आणविक सूत्र C2H4 पाएंगे। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड हुए, तो उस श्रेणी को एल्काइन कहेंगे, नाम के अंत में आइन लगेगा। और वही महत्वपूर्ण बात कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर रहेगा। और इस कार्बन श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम CnH2n-2 इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। जैसे OH अल्कोहल, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन इत्यादि। ये प्रकार्यात्मक समूह यौगिकों को एक विशेष गुण धर्म प्रदान करता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन को कोई और समूह विस्थापित रिप्लेस कर देता है, तो उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल OH लेते हैं। यदि मीथेन हाइड्रोकार्बन के
एक हाइड्रोजन की जगह OH अल्कोहल समूह जुड़ेगा तो नाम के आगे ऑल जुड़कर मिथेनॉल बनेगा। ठीक इसी प्रकार पूरी समजातीय श्रेणी की रचना होती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल इत्यादि। आप अब तक समझ गए होंगे कि ये अल्कोहल की समजातीय श्रेणी है और यहां भी एक यूनिट से अगली यूनिट पर जाने के लिए CH2 जोड़ना है और एक यूनिट के अगली यूनिट पर जाने में 14 द्रव्यमान की बदल होती है और क्योंकि सभी में एक ही प्रकार्यात्मक समूह OH जुड़ा है इसलिए इन सभी के रासायनिक गुण धर्मों में भी समानता होती है। इसी प्रकार आप हाइड्रोकार्बन समूह में अलग अलग प्रकार्यात्मक समूह लगाकर समजातीय श्रेणियों की रचना कर सकते हैं। अतः अब आप समझ गए होंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में एक CH2 और 14 द्रव्यम बढ़ोतरी होती है। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण धर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। आशा है आप सबको समजातीय श्रेणी से संबंधित कोई दुविधा नहीं होगी। आइए अब हम कार्बन यौगिकों के नामकरण की विधि का अध्ययन करें। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति समझने से पहले एक नाम का उदाहरण देखेंगे, जैसे श्री महेंद्र सिंह धोनी। इस नाम में श्री को प्रीफिक्स अथवा पूर्व लग्न कह सकते हैं। महेंद्र फर्स्ट नाम हुआ, सिंह मिडिल नाम और धोनी सरनेम है। ठीक इसी तरह कार्बन यौगिकों का नाम भी 5 हिस्सों में बटा है। आइए जानते हैं कि वो 5 हिस्से कौन से हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर आता है द्वितीय पूर्व लग्न, फिर आता है कार्बन श्रृंखला, फिर आता है द्वितीय अनुलग्न जो नाम के पीछे जोड़ते हैं, और फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न। इस तरह हमारे कार्बन यौगिक का नाम 5 हिस्सों में बटा हुआ है। अब चर्चा करेंगे इस नाम पद्धति के नियमों की, परंतु ये एक बार में आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि गणित की ही तरह इसमें आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। उदाहरणों के माध्यम से इसकी चर्चा करने से ये आपको समझ आने लगेंगे और आप किसी भी यौगिक का नामकरण करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए जानते हैं नाम पद्धति के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बताना होता है प्रतिस्थापी के बारे में। अब ये प्रतिस्थापी क्या होता है? जैसे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर इसके अंदर हम किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह फ्लोरीन लगा दें, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों कार्बन के साथ एक बंध बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगाया जा सकता है। अब ये क्या है? ये हैं प्रतिस्थापी, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले ली है। अंग्रेजी में इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब तक हमने 4 प्रतिस्थापियों की चर्चा की है, आगे और भी प्रतिस्थापियों के बारे में जानेंगे। यदि कार्बन यौगिकों में फ्लोरीन दिखे तो क्या लिखना है? नाम से पहले लिखना है फ्लोरो
और अगर क्लोरीन दिखे तो क्लोरो, ब्रोमीन दिखे तो ब्रोमो लिखेंगे, और यदि आयोडीन दिखे तो आयोडो लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में क्या देखेंगे? देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, तो प्राथमिक पूर्व लग्न लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कार्बन में रिंग बन रही है क्या, ये आप सरलता से देख सकते हैं, अर्थात कार्बन की श्रृंखला सीधी है या रिंग बना रही है। यदि रिंग बनेगी तो आप साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आप आएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला पर कि कितने कार्बन हैं। यदि एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, यदि दो कार्बन है तो लिखेंगे एथ, यदि तीन कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, यदि चार कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, यदि पांच कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, यदि छह कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, यदि सात कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट, यदि आठ कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्ट, यदि नौ कार्बन है तो लिखेंगे नॉन, यदि दस कार्बन है तो लिखेंगे डेक। ये सीक्वेंस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध सिंगल बॉन्ड है या द्वि आबंध डबल बॉन्ड है या त्रि आबंध ट्रिपल बॉन्ड है। यदि एकल आबंध है तो एन लिखेंगे, द्वि आबंध है तो ईन लिखेंगे, और यदि त्रि आबंध है तो आइन लिखेंगे। अब प्राथमिक अनुलग्न में आते हैं, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। इसकी कार्बन के नाम के सबसे अधिक महत्व है, जैसे किसी नाम में सरनेम की महत्ता होती है। यदि प्राथमिक में OH या हाइड्रोक्सिल दिखे तो वो अल्कोहल है, इसके लिए आप लिखेंगे ऑल। CHO दिखे तो वो है एल्डिहाइड, इसके लिए आप लिखेंगे एल। COOH दिखे तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए लिखेंगे ऑइक अम्ल। CO दिखे तो ये है कीटोन, और इसके लिए लिखेंगे ऑन। ये वे जादुई सूत्र हैं जिन्हें आपने एक बार समझ लिया तो आप कार्बन के किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में कार्बन यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे।